जिले में कोरोना की स्थिति चिंताजनक होने के कारण जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा कोरोना कर्फ्यू में इजाफा करते हुए 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। इस दौरान सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय प्रतिबंधित किए गए, साथ ही बेवजह बाजार में घूमने वालों पर भी सख्ती की जा रही है। सोमवार को पुलिस विभाग और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए फ्रूट मार्केट चौराहे और विजय टैकी चौराहे पर हर आने जाने वाले व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ की गई। वहीं कारण नहीं बताने की दशा में 41 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया और 97 व्यक्तियों को विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9,700 रुपए शुल्क वसूला गया। वहीं देखने में आ रहा है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद बाजारों में लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, साथ ही कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर लोगों को समझाइश देने के साथ साथ अपील भी की जा रही है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और नियमों का पालन करें, बेवजह होने वाली असुविधा से बचें। केंद थाना प्रभारी अजय सारगवान ने बताया कि जिलाधीश के निर्देश पर 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, साथ ही सख्ती से आदेश भी जारी किए गए हैं। उसी को लेकर पुलिस विभाग द्वारा बीते कल तीनों थाना क्षेत्र में 20 लोगों को 2 घंटे की ओपन जेल भेजा गया, तो वहीं आज भी कार्रवाई करते हुए 41 लोगों को ओपन जेल भेजा गया। इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और चालानी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी कौन सी है? गाड़ी कौन है?